भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय पदाधिकारियों की बैठक गुरुवार को बेनीगंज स्थित पार्टी कार्यालय में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता प्रदेश के प्रकोष्ठ प्रभारी शिव कुमार पाठक ने की। इस मौके पर पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह, क्षेत्रीय कोषाध्यक्ष पुष्प दंत जैन सहित प्रदेश के कई क्षेत्राधिकारी पदाधिकारी मौजूद रहे। बैठक में मुख्य रूप से पार्टी की मजबूती के साथ क्षेत्रीय पदाधिकारियों की जिम्मेदारी और आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा पर विचार विमर्श किया गया। आज इस बैठक में और उपस्थित सभी क्षेत्र के क्षेत्रीय संयोजक और सहसंयोजक का हूँ अपने क्षेत्र के इस क्षेत्रीय बैठक में उपस्थित सांसद उनकी और उपस्थित हैं। दूसरा आयाम चल रहा है और मैं जो मुख्य हमारा संगठन है जिसके हम अंग है भारतीय जनता पार्टी, उसका संगठन बूथ स्तर तक उसका काम उसका संगठन एक अलग है। अब इसमें यह होगा कि तीन संगठन अलग अलग काम कर रहे हैं, काम इसका मतलब क्या है। बूथ पर हमारा चिकित्सा कोष भी काम करे, बूथ पर हमारा मोर्चा भी काम करे और बूथ पर जो मुख्य पार्टी की इकाई है जिसका वो बूथ अध्यक्ष उस वो काम करे, तो ये तीनों लोग जाकर के वहाँ क्या काम करें, ऐसा मन में ये बात आती है। दूसरी बात ये भी आती होगी, आपको 17 प्रकार के नामों का उल्लेख माननीय क्षेत्रीय महामंत्री ने किया है जिसने पर्चे कराया और प्रकोष्ठ का संबोधन करते हुए उन्होंने आप लोगों का पर्चे कराया और उसी से जोड़ दिया गया व्यवसाय प्रकोष्ठ, व्यवसाय अलग है, व्यापार प्रकोष्ठ अलग है, एक और बना दिया आर्थिक, तो आर्थिक अलग है। अब इसके दिमाग में बात आ रही होगी कि आर्थिक का क्या काम है, व्यापार का क्या काम है, व्यवसाय का क्या काम है, ऐसे भी मन में द्वंद हम लोगों की होगी। इसी तरीके से देखिए समझ में आ गया शिक्षक प्रकोष्ठ, एक समझ में आ गया चिकित्सक प्रकोष्ठ, एक समझ में आ गया विधि प्रकोष्ठ। जब ये तीनों का काम हमारा अलग अलग है तो फिर ये तीनों वर्ग प्रबुद्ध वर्ग की श्रेणी में आते हैं, चिकित्सक भी, विधि वेत्ता भी और एक अनंत शिक्षक। लेकिन फिर एक अलग से प्रबुद्ध प्रकोष्ठ का बनाने का मतलब क्या है, प्रबुद्ध प्रकोष्ठ भी काम करने जाएगा तो प्रबुद्ध वर्ग में जाएगा, तो प्रबुद्ध डॉक्टर है, प्रबुद्ध अधिवक्ता है, प्रबुद्ध शिक्षक है, इसी वर्ग में भी जाएगा। हमारा कार्य क्षेत्र जब तक स्पष्ट नहीं बनेगा तब तक हम काम नहीं कर पाएंगे। तो पहले तो हमें अपने कार्य क्षेत्र को खोजना है कि हमारा काम है कहाँ। फिर कार्यक्षेत्र जब हमारा मिल जाए तो उस कार्यक्षेत्र में हमें करना क्या है, और दो प्रकार से एक उस क्षेत्र में जो हमारे कार्यकर्ता है उनके बीच में हमें क्या करना, दूसरा कार्यकर्ता के माध्यम से उस क्षेत्र में पार्टी का जनाधार बढ़ाने के लिए हमें क्या करना।